ग्रेट मैजिशियन मास्टर मर्लिन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति स्पेल्स करते हैं ना, वो सब मास्टर मर्लिन को ना जाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ग्रेट मैजिशियन के रूप में हम जानते हैं मास्टर मर्लिन को। मास्टर मर्लिन एक ग्रेट मैजिशियन तो थे ही, साथ में ऐसा उनका जादू चलता है कि किसी विश के लिए, किसी इच्छा के लिए अगर मास्टर मर्लिन का नाम सोच लिया तो समझ लीजिए वो विश हमारी तुरंत पूरी होना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको मास्टर मर्लिन का वो कोड बताऊंगी जो आपकी विश को तुरंत पूरी करेगा, साथ में वो मेथड भी बताऊंगी कि कैसे किसी विश को अगर इंस्टेंट पूरा करना है, कोई भी इम्पॉसिबल विश अगर आपके मन में है, इच्छाएं तो अनंत होती हैं, एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, तो अनंत इच्छाओं में अगर ऐसी इच्छाएं जो प्रयासों के बाद भी पूरा नहीं हो पा रही हैं, तो मास्टर मर्लिन का जादू चलने दीजिए। मास्टर मर्लिन के आज मैं आपको दो तीन ऐसे तरीके बताने जा रही हूं जो आप अपनी विश को पूरा करने के लिए यूज करेंगे। सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, इसमें स्विच वर्ड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें मास्टर मर्लिन का कोड भी है, एंजल नंबर भी है, साथ में उनका सिंबल भी है, और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि हम जो तरीका अपना रहे हैं ना, उस वाले तरीके में मास्टर मर्लिन का ऐसा जादू चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंबाइन होकर आप अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। तो मास्टर मर्लिन के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, एक ग्रेट मैजिशियन मास्टर मर्लिन। तो जब भी आप चाहते हो कि आपकी कोई ऐसी इंपॉसिबल विश है जो पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आप मास्टर मर्लिन को याद करेंगे। कैसे करेंगे? मास्टर मर्लिन का सबसे पहले तो आपको एक फोटो ले लेना है। मास्टर मर्लिन का एक फोटो ले लो और फोटो को देखना शुरू करो। किसी भी चीज पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई देव देवी हो, हमारे एंजल्स हो, या कोई भी चीज हो। किसी भी चीज पर अगर आपने फोकस करना, मेडिटेट करना अगर शुरू कर दिया, तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि हम अपने घर में भी तस्वीरें लगा के रखते हैं और कहते हैं कि तस्वीरें हमेशा वो लगाओ जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रही हो, क्योंकि उन तस्वीरों के साथ भी हमारा कनेक्शन बनता है जो हमारे घर में लगी हुई है। तो सबसे पहले किसी के भी साथ कनेक्शन बनाने का तरीका होता है उनकी फोटो रखना सामने। हम अपने जब हम आराधना सेवा आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपने देव देवियों की तस्वीरें भी सामने रखते हैं। क्यों? ताकि उनकी छवि हमारे मन में बस जाए और हम उनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो आप मास्टर मर्लिन का एक फोटो ले लें, सामने रखें, सबसे पहले उनके साथ कनेक्शन बनाएं, चैंट करना शुरू कर देंगे, मर्लिन मैजिक बिगिंस नाउ, मर्लिन मैजिक बिगिंस नाउ। जैसे हम वुल्फ मैजिक बोलते हैं, ऐसे ही मास्टर मर्लिन की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए भी हम मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ चैंट कर सकते हैं। बिगिन भी बोल सकते हैं, बिगिंस भी बोल सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि वुल्फ मैजिक बिगिन बोले या वुल्फ मैजिक बिगिंस बोले, दोनों ठीक है। तो मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ और देखना शुरू कर दीजिए तस्वीर पे, चैंट करिए डेली कम से कम 5-7 मिनट। तो आप मास्टर मर्लिन की एनर्जी के साथ सबसे पहले तो कनेक्ट हो गए। अब कोई आपकी ऐसी विश है, कोई ऐसी विश है जो सालों से भी पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मास्टर मर्लिन का सिंबल, मास्टर मर्लिन की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए हम बहुत ज्यादा सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वर्ड्स की जगह सिंबल्स को जल्दी ग्रैस्प करता है, सिंबल्स को समझता है। यही कारण है कि जीबू सिंबल्स काम करते हैं, यही कारण है कि रेकी में भी सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम सिंबल्स यूज करते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जल्दी सिंबल्स को समझ जाता है। तो मास्टर मर्लिन की एनर्जी से जुड़ने के लिए भी एक सिंबल है जो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? मास्टर मर्लिन का जो सिंबल है, ये वाला सिंबल है। इस सिंबल को बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, टफ है, मुश्किल से बना पाएंगे। तो बेहतर ये है कि या तो आप इसी का वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इंटरनेट पे से ले लें, मास्टर मर्लिन सिंबल लिखेंगे तो आपको मास्टर मर्लिन का सिंबल मिल जाएगा। तो ये वाला सिंबल मास्टर मर्लिन का है, आपने इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है,
प्रिंट आउट निकालिए, बड़ा सा निकाल लीजिएगा थोड़ा, जिसपे आप नीचे अपनी विश भी लिख पाए। बड़ा निकालेंगे तो बेहतर है, एक ही कागज से आपका काम चल जाएगा। तो आपने पहले प्रिंट निकाल लिया, प्रिंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, कनेक्शन आप बना रहे हैं डेली मेडिटेट करके, ठीक है। सिंबल को दो तीन चार तरीकों से यूज करेंगे आप। सबसे पहला तरीका है कि आप सिंबल को चाहे तो वैसा ही छोटा सा एक प्रिंट निकाल के अपने पर्स में रख लें, अपने मोबाइल कवर में रख लें, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं सिंबल हमेशा के लिए, ठीक है। पहला तरीका है मास्टर मर्लिन की एनर्जी से कनेक्ट होने का। दूसरा तरीका मास्टर मर्लिन की एनर्जी से कनेक्ट होकर विश को पूरी करने का, आपने क्या किया, सिंबल का प्रिंट आउट निकाला। अब आप अपनी विश उसी कागज पे लिखेंगे, और आपने पूरी विश अपनी लिख दी, जो भी इच्छा है। आप मनी से रिलेटेड कुछ विश करते हैं, आप जॉब के लिए करते हैं, आप रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, किसी भी चीज के लिए आप करें, अपनी विश आपने लिख दी। विश लिखने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज करते हैं, कि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उस स्टेट को, आप ऑलरेडी इतने 1000 का जॉब कर रहे हैं, आप ऑलरेडी मैरिज आपकी हो चुकी है, मैरिड हैं आप, लव मैरिज आप कर चुके हैं, मतलब अचीव हो चुका है। तो उस तरीके से आपने लिख लिया, ऊपर मास्टर मर्लिन का सिंबल बना हुआ है, साथ में आप चाहे तो चैंट कर सकते हैं इस वक्त मन में, मर्लिन मैजिक बिगिंस नाउ, मर्लिन मैजिक बिगिंस नाउ, आप चैंटिंग लगातार करते जाइए। अब आती है बात कोड की। मास्टर मर्लिन की एनर्जी से जुड़ने के लिए जो कोड है उनका, वो है 477965। 477965 नंबर को अपनी विश के नीचे आपने लिख दिया, ऊपर सिंबल, बीच में विश, नीचे आपने कोड लिख दिया 477965, मास्टर मर्लिन का कोड है आपने लिख दिया। कागज को आप चाहे तो लेमिनेट करा लें, लेमिनेट कराने के बाद उसे रखिए अपने पिलो के नीचे। एक तरह से ये पिलो मैनिफेस्टेशन मेथड की तरह ही काम करेगा, ठीक है। पिलो मैनिफेस्टेशन मेथड क्या होता है, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं ना, उसको अपने तकिए के नीचे रख के रात को सोते हैं, उस विश को लिखकर कागज में और तकिए के नीचे रख देते हैं, और रात को सोने से पहले दोहराते हैं ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है। तो आपने इस कागज को भी सोने से पहले अपनी विश को दोहराना है, जो आपने विश रखी है। याद रखना, जब भी हम किसी से प्रेयर करते हैं, ठीक है, विश एकदम फ्लैट ना लिखना, एक ऐसे मोड में लिखना जैसे हम अपने माता पिता से कुछ मांग रहे होते हैं ना, तो रिस्पेक्टफुल वे में लिखते हैं, तो उसी तरीके से आपको रिक्वेस्ट करते हुए अपनी विश को लिखना है, ठीक है। तो आपने डेली उसको सोने से पहले दोहराना है, और उसके बाद उस कागज को तकिए के नीचे रख के सो जाना है। ये आपको डेली करना है, मतलब रोज विश दोहराना है, वहीं रखा रहने दीजिए। इस तरह करिए, सिंबल साथ में भी रखिए, मोबाइल कवर में रख लें या पर्स में रख लें, कोड को हाथ पे भी लिख के रख सकते हैं, विश को दोहरा सकते हैं, स्विचवर्ड को चैंट कर सकते हैं, मास्टर मर्लिन या मर्लिन मैजिक बिगिंस नाउ आपका स्विचवर्ड है जो आप चैंट कर सकते हैं। लगातार आप ऐसा करेंगे तो मास्टर मर्लिन की एनर्जी से आपकी जो विश है ना, वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि वो है ग्रेट मैजिशियन। ग्रेट मैजिशियन से जब कुछ मांगा जाता है तो मैजिक की तरह हमारे हाथ में वो चीज आ जाती है और हमको वो लाइफ में मिल जाता है जो हम चाहते हैं। तो ये है मास्टर मर्लिन की एनर्जी से कनेक्ट होने का सारे तरीके। आप उनको लेटर भी लिख दिए, आपने उनका कोड भी इस्तेमाल कर लिया, आपने उनका सिंबल भी इस्तेमाल कर लिया, और पिलो के नीचे रख के आप इस तरह यूज करिए। नंबर आप डेली लिखिए, नंबर चैंट भी कर सकते हैं, सभी नंबर्स आप चैंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इम्पॉसिबल विश को भी मास्टर मर्लिन की एनर्जी के साथ जुड़कर आप पूरी कर सकते हैं। तो साथियों, मैं हूं शालिनी, आप सबकी दोस्त। उम्मीद करती हूँ मास्टर मर्लिन का ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, सब लोग अपनी विश को पूरी करने के लिए यूज करेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। प्यार भरा नमस्ते।